फैमिली जो स्टोरी मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो हमें सोसाइटी की एक डार्क साइड को दिखाते हैं। आई होप रोमांटिक स्टोरीज को छोड़कर आपको इन स्टोरीज में भी इंटरेस्ट आए। तो हमारी मेन लीड जिसका नाम जीवन है और जिसका अभी अभी कार एक्सीडेंट हुआ है और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, तो उसके दिमाग में बातें चल रही है कि कैसे उसके उसके लवर के साथ एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट हो गई थी और कैसे उसने अपनी कंपनी की टीम मैनेजर से हेल्प मांगी थी बट उसने उसकी हेल्प नहीं करी थी। और ये सोचते सोचते जीवन मर जाती है। किस बात के लिए वो इतनी टेंस्ड थी ये हमें स्टोरी में आगे पता लगेगा। जीवन के फ्यूनरल के बाद उसके टीममेट उसके टैक्स को खाली कर रहे थे बट इतने में उसके लवर की एंट्री होती है जिसका नाम जे पार्क है और वो भी इसी कंपनी में काम कर रहा है और वो ये स्टोरी का मेन लीड है। तो वो जीवन के बिलोंगिंग्स को अपने साथ ले जाता है और जहाँ भी उसके ऑफिस में नज़र जाती है उससे जीवन की याद आने लग जाती है कि कैसे वो यहाँ पर इतने स्वीट स्वीट मोमेंट्स उन्होंने स्पेंड करे थे। लाइक जीवन और जे पार्क का ऑफिस रोमांस चलता था सभी से छुप छुपा के। जब जे पार्क अपने डेस्क पर पहुंचता है तो उसके फ़ोन पर जीवन के नंबर से मैसेज आता है। ये क्या, जीवन तो मर गई है तो उसके फ़ोन से उसको मैसेज कैसे आ सकता है। एंड वो काफ़ी घबरा जाता है और बाथरूम में लॉक करके उस नंबर पर कॉल करने लग जाता है कि वो कौन है। फिर वो सोचता है कि वो ये चीज़ें क्या सोच रहा है कि जीवन तो ऑलरेडी इस दुनिया में नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जे पार्क को जिसने जीवन के फ़ोन के थ्रू मैसेज करा है वो लैपी पे कंपनी के की साइट पर पोस्ट करता है कि जीवन की जो डेथ है वो एक्सीडेंट नहीं है, वो मर्डर है और मुझे पता है उसे किसने मारा है। और साथ में वो किसी क्लिक की प्रोफाइल पिक को भी उसके साथ अपलोड कर देती है या देता है। देन स्टोरी में हमें एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम सी बॉम है और इसकी शक्ल याद रखना। और ये जीवन के ही टीम मेंबर थे। अरे जीवन के चार टीम मेंबर थे, एक टीम मैनेजर, एक ये सी बॉम और एक लड़की, इसका नाम मैं छिपकली कर देती हूँ, और दूसरा लड़का वो तो नया ही था। तो उस पोस्ट के कारण जे पार्क कंपनी के थ्रू जीवन के सारे टीम मेंबर्स को इन्वेस्टिगेट करने आता है और एक एक करके उनसे सवालात पूछता है। पहले तो वो टीम मैनेजर को बुलाता है बट टीम मैनेजर उल्टा उसी से पूछने लग जाती है, क्या तुम जीवन के इतने क्लोज थे, लाइक तुम उसके केस को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हो और जब वो मरी थी तो तुम उसकी बिलोंगिंग्स भी लेके गए थे। बट जे पार्क इस बात को मना कर देता है एंड उससे पूछने लगता है कि जीवन किस टाइप की पर्सन थी। टीम मैनेजर बताती है कि हाँ वो अच्छी लड़की थी, अपना काम ठीक से करती थी और जब उसकी प्रमोशन इतनी जल्दी हो गई थी तो सीवोम को ये बात अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि वो कंपनी में उससे पुराना था बट अभी तक उसकी प्रमोशन नहीं हुई थी। और इस बात पर मैंने सीबॉम को अकेले में किसी के साथ फ़ोन पर बात करते हुए गालियाँ देते भी सुना है। सेकंड में छिपकली से पूछताछ की जाती है जिसमें वो बोलती है कि जिसने भी ये पोस्ट करी है ना वो जस्ट अटेंशन चाहता है और कुछ नहीं। और जीवन के इतनी जल्दी प्रमोशन से कहीं ना कहीं टीम मैनेजर इतनी ज़्यादा खुश नहीं थी। कभी कभी टीम मैनेजर को अपने बच्चे की वजह से जल्दी घर जाना पड़ता था तो उसका सारा का सारा काम का बहुत जीवन पर आ जाता था एंड उसे वो करना पड़ता था। एंड तीसरे नंबर पर सीबॉम को बुलाकर पूछा जाता है एंड वो बोलता है कि हाँ पोस्ट में लिखा है कि जीवन का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। देखा जाए तो वो एक तरह से सच भी है, जब से जीवन का प्रमोशन हुआ था तब से टीम मेंबर्स उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे, उसे बुली करते थे। लाइक जैसे खाना खाते टाइम वो सब इकट्ठे खाना खाने चले जाते थे और जीवन अकेली रह जाती थी। और मैंने तो सुना है मिस्टर हान के चक्कर में भी उसे काफ़ी सफ़र करना पड़ा था क्योंकि मैंने सुना है प्रमोशन के बाद उन्होंने मिस्टर हान से बुलाना बंद कर दिया था। और एक्चुअली कहना तो नहीं चाहिए बट जीवन को प्रमोशन उसके कनेक्शंस की वजह से मिला है। टफ बात तो ये भी है कि मिस्टर हान और जीवन रिलेशनशिप में है। फोर्थ टीम मेंबर जे पार्क को कुछ बताना चाहता था बट स्टिल वो चुप हो जाता है ये कहते हुए कि मैं तो न्यू हूँ, मेरे को कुछ ज़्यादा नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं। और इन सभी के बयान से यहाँ जे पार्क कन्फ्यूज़ हो रहा था कि आखिरकार जीवन का एक्सीडेंट हुआ है या मर्डर हुआ है या फिर उसने खुद सुसाइड करा है। इतने में उसका सीनियर उसे आकर बताता है तो कर क्या रहा है, जीवन को लेकर एक और पोस्ट डल गई है और इस पोस्ट में जिस क्लिक की प्रोफाइल डली हुई थी वो और कोई नहीं छिपकली थी। और छिपकली ये देखकर काफ़ी घबरा जाती है और वो जीवन को कॉल करते करते उसके पास आती है। और छिपकली जीवन को बोलती है कि पता नहीं कौन बेवकूफ है, पहले तो इन पोस्टों का कुछ कर, सभी लोग सोच रहे हैं कि मेरी वजह से जीवन मरी है या फिर मैंने उसे मारा है जबकि मैं खुद विक्टिम हूँ और मैं तेरे को एक रिकॉर्डिंग देती हूँ, इसको सुन तेरे को खुद से पता चल जाएगा। तो जे पार्क जब वो रिकॉर्डिंग सुनता है तो हमें दिखाया जाता है कि एक दिन जीवन लेट हो गई थी और उसने बोला था सबको कि चलो अब मीटिंग करने चलते हैं, मैं थोड़ा लेट हो गई। बट इस बात से टीम मैनेजर गुस्सा होगी कि अच्छा तू लेट हो गई, लाइक हद है। और टीम मैनेजर को गुस्सा आने लग जाता है कि मैनेजर मैं हूँ कि तू है, कि तू सबको ऑर्डर देगी कि मीटिंग के लिए जाएं। जैसे कि टीम मैनेजर जीवन से थोड़ी सी जेलिस थी इसलिए वो उसे सुनाती है कि 15 साल लगे हैं मेरे को अपनी इस कुर्सी पे आने के लिए, ठीक है मैंने तेरी तरह कोई इजी वे का यूज़ नहीं करा है। और वो जीवन पर गुस्सा कर सभी को छोड़ कर अपने साथ मीटिंग पर ले जाती है। लाइक वो जीवन पर बहुत बुरी तरीके से चिल्लाई थी और साफ पता चल रहा था कि वो जीवन से बहुत जेलिस है। देन जे पार्क फिर से टीम मैनेजर को बुलाता है बात करने के लिए बट उसे कुछ खास पता नहीं लगता।
देन हमें जे पार्क की एक मेमोरी दिखाई जाती है कि वो घर पे था और इतने में उसके फ्रेंड के थ्रू एक उसको फोटो आई थी जिसमें मिस्टर हन और जेवोन थे एक होटल रूम के बाहर। एंड उसको देखकर यहाँ पर जे पार्क को थोड़ा थोड़ा जेवोन पर शक होने लग गया था। एंड उसने उसको उसी टाइम कॉल कर दिया था कि तू कहाँ है, अगर तू ऑफिस में ज़्यादा वर्क कर रही है तो मैं तेरे को लेने आऊँ, ऐसा कर मेरे को भी वीडियो कॉल कर। बट यहाँ पर जेवोन काम में इतना ज़्यादा बिजी थी और वो उसको बोलती है यार तू क्या बातें कर रहा है, मुझे काम करने दे, और वो कॉल कट कर देती है। इन प्रेजेंट मिस्टर हन जे पार्क से मिलते हैं एंड उसको देखकर जे पार्क का फ्रेंड बोलता है ये वही है जो जीवन के साथ फोटो में था, और जे पार्क उससे पूछता है तेरे को वो फोटो किसने सेंड करी थी। देन जे पार्क सीधा सी बॉम्ब के पास जाता है बिकॉज उसी के थ्रू उसके फ्रेंड को वो फोटो पास हुई थी, एंड वो उसके बारे में उससे पूछता है एंड काफ़ी सीरियसली उससे पूछता है कि तुझे ये फोटो कहाँ से मिली। एंड सी बॉम्ब भी काफ़ी घबराते हुए उसे बोलता है कि मुझे भी एक ग्रुप चैट के थ्रू मिली है एंड मैंने उस ग्रुप को कब का लीव कर दिया, पर अगर तेरे को यकीन नहीं हो रहा तो मेरे डाउनलोडेड फोल्डर्स में देख ले, तेरे को लग जाएगा पता है कि ये फोटो मैंने क्लिक नहीं करी, उल्टा मेरे पास भी आई है। एंड वो चेक करवा देता है कि वो फोटो सच्ची में उसके डाउनलोडेड फोल्डर में होती है। साथ में शिवम बोलता है कि मुझे भी नहीं पता है कि ये फोटो आखिरकार सेंड किसने करी थी, और साथ में वो जे पार्क को भी ये बोलता है कि विदाउट एनी प्रूफ ना आगे से मेरे पे शक मत करना, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर जे पार्क काफ़ी अकेला फील कर रहा होता है और एक जगह बैठा होता है और सोच रहा होता है कि शायद जीवन ने उसको धोखा दिया है मिस्टर हन के साथ। और जे पार्क इतना सैड बैठा ही होता है कि इतने में उसके फ़ोन पर फिर जीवन के नंबर से एक मैसेज आता है जिसमें जीवन की डायरी का एक पैराग्राफ था जिसे वो पढ़ता है। देन हमें फिर जीवन की साइड से स्टोरी दिखाई जाती है कि उस दिन वो रात को बहुत काम कर रही थी इसीलिए वो टीम डिनर में भी जा नहीं पाई थी, एंड उस रात वो लेट नाइट तक काम कर रही थी। बट इतने में उसके पास सीवम आता है उसके लिए खाना लेकर, और जब वो अपना काम खत्म कर जा रही होती है तो सीवम अचानक से उसे बोलते हैं कि जहां तुम्हारा घर पड़ता है उधर मेरा भी घर पड़ता है कि प्लीज़ मुझे भी रस्ते में छोड़ देना। ये सुनकर जीवन को अटपटा लगता है बट वो स्टिल सीवोम को छोड़ने के लिए रेडी हो जाती है एंड उसको उसके घर तक छोड़ देती है। पर गाड़ी से निकलने से पहले सीवोम जीवन को बोलता है कि चल मेरे घर में, मैं तेरे को कॉफ़ी पिलाता हूँ, बट जीवन मना करती है तो सीवोम उससे गुस्सा करने लग जाता है कि मैं बोल रहा हूँ ना गाड़ी से उतर और चल, और वो गुस्से से गाड़ी से उतरता है और वो जीवन का हाथ पकड़ कर उसको गुस्से से बोलने लग जाता है कि मैंने कहा ना चल तो चल। लाइक वो एक तरह से जीवन के साथ बदतमीजी कर रहा था और उसे बोल रहा था कि तुझे क्या लगता है मुझे तेरी करतूतों के बारे में पता नहीं है, मुझे पता है तू मिस्टर हन के साथ सोई है तभी तेरे को ये प्रमोशन मिला है, ये देख ये मेरे पास फोटो है, अगर तू चाहती है मैं इसको वायरल ना करूं तो जो मैं बोल रहा हूं उसको मान। सीवम यहाँ जीवन को डराने की कोशिश करता है, ज़बरदस्ती करता है, चीखता है चिल्लाता है कि वो उसके साथ अंदर कमरे में चले उसके साथ भी रात बिताए, पर यहाँ पर जीवन उसे बोलती है कि वो जो सोच रहा है वो गलत है। और यहाँ पर सीवम एकदम देखने लग जाता है कि कार में कहीं डैश कैमरा तो नहीं है, जब उसे पता लगता है कार में कोई डैश कैमरा नहीं है तो वो जीवन पर गुस्सा करते हुए जाता है कि तू रिग्रेट करेगी इस चीज़ पर, और गुस्सा करते हुए वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पर जीवन को काफ़ी बुरा और टेरिफाइंग फील हो रहा होता है कि एक फालतू की अफवाह की वजह से कितने लोगों का रवैया चेंज हो गया है उसके प्रति। ये सब पढ़कर जे पार्क को भी पता लग जाता है कि जीवन के साथ क्या हुआ था, बट उसने उसको कुछ नहीं बताया था और उसको सी बियोम पर बहुत गुस्सा आ रहा था, एंड वो गुस्से से उसके पास जाता है और उसको बोलता है कि मुझे तेरे से बात करनी है, अकेले में चल। टैंक तो सारा शक पहले टीम मैनेजर पे जा रहा था बट अब सारा शक सी बॉम्ब पे शिफ्ट हो गया। लाइक ये बंदा कितना बिगड़ा हुआ है, मेरे को लगा नहीं था, मेरे को शरीफ लगा था जिस हिसाब से बोल रहा था कि अगर आपको आगे कुछ केस के रिलेटेड जरूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना, लाइक हद है। अगर फैमिली आपको जाना है कि जी फोन के साथ इन रियलिटी हुआ क्या था तो स्माइलीज जल्दी करो, नेक्स्ट पार्ट कल के कल अपलोड हो जाएगा।